हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग JCET 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। JCET 2020 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया JEE बेसिस के ऊपर, तो कैसे चेक करना है ये बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है JCET 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। इसे सर्च करेंगे, जैसे आप इसे सर्च करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं JCET 2020 और उसके आगे लिखा है IAS पेपर। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JCET 2020 का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। रिज़ल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जूम कर देता हूँ इसे। तो रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया JCET का, किसके बेसिस पे, JEE मेन के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे JCET जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर हो गया, मेरिट लिस्ट वगैरह हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है और यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। तो इस तरह से आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स का नाम है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन करके, 140 पेज का लिंक है और इसे ओपन करके सारा स्टूडेंट का अपना नाम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल नहीं है इस बार, उनकी लिस्ट है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू so much for watching।